हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम रोज घर में ये चीज होते देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि क्यों प्याज काटते समय आंसू आते हैं और ऐसा क्या होता है प्याज में जिसके कारण आंसू आते हैं। चाहे हम कैसे भी उसे काटे, कभी न कभी आंसू आता है। कुछ कुछ लोगों को तो इतना ज्यादा होता है कि आंसू प्याज खाते टाइम भी आ जाते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ऑनियन ये प्याज हमारी डेली नीड है। हम हर एक चीज में, हर एक सब्जी या वेजिटेबल जो भी बनाते हैं उनमें ऑलमोस्ट सब में प्याज डलता ही है। हम ऐसे ऐसे रॉ यानी कि कच्चा भी खाते हैं, कभी सैलेड के फॉर्म में भी खाते हैं और अब गर्मी के समय में तो हम इसका यूटिलाइजेशन भी करते हैं। हमने ऑनियन का यूज तो हेयर ग्रोथ के लिए भी देखा है कि ऑनियन जूस लगाने से हेयर ग्रोथ भी होती है। ऐसे क्या होता है ऑनियन में जिसकी वजह से आंसू आते हैं? आपने ये घर बहुत बार देखा होगा कि जब हम ऑनियन को कट करते हैं या चॉप करते हैं तो हमें आंसू आने लगते हैं। कई लोगों को तो यदि वो पास में खड़े हैं, नहीं भी चॉप कर रहे हैं तो भी उससे आंसू आने लगते हैं, किसी किसी को खाते समय आते हैं। तो ऐसा क्या है एक्चुअल में? इसमें ऑनियन में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे इरिटेंट भी कहा जाता है। ये एक सिंथेसाइज प्रोपेंथियल एक्स ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है जो कि स्टिमुलेट करता है आईज की एक ग्लैंड को जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। यही लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है वो टीयर का रिलीजेशन करती है या इसका स्टिमुलेशन करती है। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एक्स ऑक्साइड और जिसकी वजह से जो है आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि गैसेस फॉर्म में होता है, जैसे ये एनवायरमेंट के सराउंडिंग में मिलता है तो ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारी लैक्रिमल ग्लैंड को जिसकी वजह से टीयर आना शुरू होते हैं। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि एलएनएस नामक एक एंजाइम का प्रोडक्शन करता है जो कि हमारी लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे जब भी हम इसे कट करते हैं तो वो एंजाइम रिलीज होता है और हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जापान की रिसेंट स्टडी में उन्होंने बताया कि जो लैक्रिमेटरी फैक्टर्स जो होते हैं यानी हमारी लैक्रिमल ग्लैंड जो है, जो टीयर ग्लैंड हमारी है, उसमें जो एक एंजाइम्स होते हैं उसको ये स्टिमुलेट कर देता है जिसके कारण टीयर आना शुरू हो जाते हैं। और ये डायरेक्ट इफेक्ट हमारी आईज को करता है, इसीलिए यदि कोई इसे कंज्यूम भी करता है तब भी इससे टीयर आना शुरू हो जाते हैं। ये जब रिलीज होता है तो एयर में, जैसे ही हमने ऑनियन को कट किया तो हमने बात की कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं और हमें टीयर आना शुरू हो जाते हैं। जो ये एंजाइम है, जो सिंथेटाइज एंजाइम है, ये अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है सल्फोनिक एसिड में, जिसकी वजह से भी टीयर आता है, यानी एसिडिक कंडीशन होने की वजह से भी इसमें टीयर आते हैं। और ये जो होता है, ये जो हमारी आईज में इरिटेशन कॉज करता है और जिसकी वजह से भी हमारे टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं। सेम चीज ऑनियन को कंज्यूम करते टाइम आपने देखा होगा कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी आती है, इसीलिए उससे टीयर्स आते हैं। अब आपने देखा होगा जब हम ऑनियन यूज करते हैं उससे पहले उसे थोड़ा सा वॉश कर लिया जाता है जिससे कि उससे एक्सेस अमाउंट में जो उसका सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है वो रिमूव हो जाए जिससे खाते समय इस पे टीयर ना आए। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए बस एक ही ऑप्शन होता है जिन्हें ज्यादा ऑनियन से, ऐसा जरूरी नहीं है, सबके लिए जरूरी नहीं है कि जो ऑनियन कट करे चॉप करे सभी को आंसू आए, पर अधिकतर ये कंडीशन होती है कि जो भी ऑनियन को कट या चॉप करते हैं उन्हें आंसू आते ही हैं। बट इसका एक बेनिफिट ये है, या तो आपको आंसू कंटिन्यू आते हैं तो आप कुछ ग्लासेस या सन ग्लासेस वगैरह टाइप कर सकते हैं, या फिर इससे भी सबसे बेटर ऑप्शन होता है जो आपका नाइफ है उस पर हल्का सा ऑयल लगाए, देन आप अपने जो ऑनियन है उसे चॉप करें जिससे उसे चॉप करने के बाद आपको टीयर्स नहीं आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।